गृह और जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा को जेल का खाना अच्छा लगा। मिश्रा आज भोपाल सेंट्रल जेल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने खाने को चक्कर देखा और निर्देश दिए कि कैदियों को खाने में सलाद भी दिया जाए, ताकि कोरोना संक्रमण काल में इससे कैदियों की इम्यूनिटी सिस्टम को और सशक्त बनाया जाए। जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज अचानक भोपाल जेल पहुंच गए। जेल निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा, कोरोना संक्रमण काल में पैरोल पर रिहा किए गए कैदियों का पैरोल पीरियड 60 दिन और बढ़ाने के लिए उच्च प्राधिकार समिति से अनुरोध किया जाएगा। इससे जेलों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के साथ ही शासन को मदद मिलेगी। 31 जुलाई को कैदियों का पैरोल पीरियड समाप्त होने जा रहा है। उन्होंने कहा, जेलों में कोरोना वार्ड बनाए जाने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए कैदियों के परिजनों को मिलने के लिए अभी जो टेलीफोनिक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, उसको बढ़ाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से परिजनों से चर्चा कराई जाएगी। इस दौरान मिश्रा ने जेल का भोजन भी खाया और कैदियों को सलाद दिए जाने के निर्देश भी दिए। भोजन का निरीक्षण किया था आज, और इसके बाद हमने कुछ बातें थे साहब के साथ जो बैठक में बैठे थे, हम लोगों ने तय किया है अभी कोरोना का संक्रमण समाप्त नहीं हुआ, और संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है तो बाहर से कैदी कोई संक्रमित अंदर ना आ जाए, नहीं तो सामुदायिक संक्रमण और हो जाए। तो ऐसा तय किया है कि अब 60 दिन मतलब 2 महीने और इनकी जो पैरोल बाहर 4,000 लोग हैं उनकी बढ़ा देंगे, ये प्रस्ताव समिति को दे देंगे। दूसरा, हमारे जो कैदी भाइयों का भोजन है मैंने भी चखा उसे, उसमें सलाद की कमी प्रतीत हुई, महसूस हुई, और मध्य प्रदेश की सभी जेलों में अब सलाद की व्यवस्था भी साथ में रहेगी, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम, हम काढ़ा तो देते ही हैं पर इम्यून सिस्टम मजबूत हो, रोग रोधक शक्ति हमारी बढ़े, इस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। सुरक्षा के पहलुओं पर भी नज़र मारी है, अंडा वार्ड को भी देखा है। अभी ये फोनिक सिस्टम हमने बढ़ाया है, चूँकि लॉकडाउन के माध्यम से लोगों को आने जाने में दिक्कत है, जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन वगैरह वगैरह इत्यादि की वजह से, तो फोनिक सिस्टम बढ़ाया है। वह जो कैदी भी अपने परिवार के स्वजनों से सचित्र बात करने के लिए कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बात कराने के बारे में आज हमने सोचा है, और लगातार और जो जो भी सुधार होंगे, जैसे बहन बेटियों की सिंदूर बिंदी वगैरह बंद हो गई थी वो चालू करना, सलाद चालू करना, अन्य अन्य चीज़ें भी चालू, अस्पताल में वार्ड हैं उन वार्डों में कोरोना वार्ड भी एक एक निर्माण करने का प्रस्ताव। कारण से ये दिक्कत है, इसलिए मैंने कहा कि फोनिक सुविधा चल रही है, सभी लोग फ़ोन पर बात कर सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी बात कर सकते हैं, जब तक कोरोना की दिक्कत है थोड़ी दिक्कत तो देखनी पड़ेगी। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जेल में अति संवेदनशील जेल माने जाने वाली अंडा सेल का निरीक्षण कर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कैदियों को और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध भी किए जाएंगे। मिश्रा ने कहा कि महिला कैदियों के लिए चूड़ी और बिंदी की व्यवस्था भी करवाई जाएगी। निरीक्षण के दौरान जेल महानिदेशक संजय चौधरी और केंद्रीय जेल अधीक्षक दिनेश गन्नरवारे भी मौजूद थे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।